गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और हमारी मम्मी घर के ऊपर क्या कर रहे दिखा दो मैं आपको। मम्मी जी हाय बोलो। मम्मी जी हाय। क्या कर रहे हैं ऊपर? पानी मार रहा है। हाँ, सुनील के रूम को पानी दे रही थी। मैं ब्लॉग अपलोड कर रहा था इधर, तो मम्मी बोली मैं जाके आती हूँ ऊपर। बहुत बहुत हिम्मत आ गई मेरे मम्मी में। अभी नीचे उतरते टाइम उसकी ये देखो, मजे देखो आप कैसे उतरती है। चले मम्मी लौकर खाली चलो, आ जाओ नीचे उड़ी माराशी। हाँ देना, हाँ लाओ नीचे। तो घर को पानी दे रही थी, सुनील की रूम है ना, उसके फेवरेट बेटे की रूम है, तो देखो अरे धीरे धीरे। दे इकड़ून दे, गमीला दे, गमीला दे दू एक हाथ बर इकड़ून दे। चल सोड ना, एक हाथ नहीं जो पण दिमागता है ना सॉफ्टवेयर इंजिनियरला का नहीं है। ये लो भाई आओ। कम ऑन मम्मी, हालू को थोड़ी शिडी। मुझे लगा छोटे बेटे के ऊपर प्यार है तुम्हें, इसलिए गई हो पानी मारायला गेले होते। तो चलो भाई मम्मी आ गई है। पर मम्मी सच सच बताओ, तुम्हें सुनील पसंद है? हमें पसंद हो दोगो पन पसंद है। ज्यादा ज्यादा दोगो पन नहीं, ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा। तू परत माल लेक्चर दी कोरी साथ। सुनील मम्मीज फेवरेट चाइल्ड इज सुनील। अरे ना रे पर जा तो जुरा तो। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं ये बुड्ढे हो जाएंगे ना, मैं इनको संभालूंगा नहीं। मैं बोलूंगा तुम्हारा फेवरेट चाइल्ड सुनील है, भाग। है ना मम्मी? हाँ। तुम जब बुड्ढी हो जाओगी नहीं, तब मैं बोलूंगा मैं तुम्हारा फेवरेट चाइल्ड हूँ क्या? दो महीना संभाल। चलो 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 हवा में। मेरे बाल कितने मस्त लग रहे यार। मैं भारी तुझे केस पहले पसंद लान होता लान पनी ना आसे एवढा जंबो बांधायचे एवढा जंबो रायचा तो मेसी हेयर। ते वैष्णवीच्या पुरीचे पण केस तुझ्या वाली वैष्णवी की बेटी तो रोती ही नहीं है दिन भर, ऐसे मोटे मोटे केस है तिच्या वाली बैठी रहती ऐसे दिन भर, रोती नहीं है रात को रोती है। आपले कोबी पाए किती भारी आले। यस तीनस कोबी पण। ये देखो हमने गोभी लगा दिए थे ना, वो देखो कितने मस्त आ चुके हैं यहाँ पे। और आज तो कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ। और आज है ना मम्मी जाने वाली है शादी में। हाँ। हमारे बुआ के बेटे की शादी है। सुबह हुई नहीं है तो खाना खाना शुरू हो चुका है इसका। और ये देखो मेथी के लड्डू खा रहा है सुबह सुबह। ए पप्पा जी शर्ट लाइस गेली का? चलो ये दोनों तो निकल गए शादी के लिए। तो आज है ना स्लैब है ना, इसके ऊपर हमें है ना वाफे बनाने, मतलब इसके अंदर पानी स्टोर करके रखने के लिए पानी देना पड़ता है ना इसे, तो उसके लिए आए लोग। ये कहा गया था सुनील। अरे सुनील हाँ हाँ वही ले लो। ये कहा गया था भाई, क्या पार्सल आया इसका? प्लास्टर के लिए कब आने वाले? मतलब उसके बाद आएंगे इधर। ये देखो भाई इसको उठा के ऊपर आ रहे भाई। तो यार ये रॉकी को क्या करे यार, छोड़ता ही नहीं, वो बाइक के पीछे भागता रहता है। वो देखो कितना टाइम लगेगा, आओ नीचे आओ चलो चाय पियेंगे फिर घर पे पानी देंगे। ठीक है आ जाओ। घर के ऊपर आज पानी देना है, पर है ना मोटर ही नहीं चालू है क्योंकि लाइट ही नहीं आज दिन भर, तो लेके जाना पड़ेगा पानी देने के लिए। चाय बन रही है तब तक ये लेके आ गए मैं। और चिकू पिकू है ना भाई, जब से बाहर छोड़ दिया ना इनको, भाभी ने देते हमें
नहीं तो पहले चिकू पिकू भाई हम बाहर निकले तो हमारे पीछे दौड़ते थे, और अभी देखो देखते भी नहीं, फितरत बदल गई इन लोगों की। वी आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम। पूरा तक बहु ना फेंक के देखो ऊपर, आराम से जाएंगे भाई। टंग 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 टंग, 1 2 3 गो। अबे यार ये वायर किसने डाल दी पता नहीं। 2 3 गो। ये यू आर नीरज चोपड़ा ऑफ दिस हाउस। और दोस्तों कैसी है मेरी रंगोली देखो। चलो भाई लाओ चाय। किधर है चाय? कब? सुनील, स्वप्निल एंड दिस गाय। व्हाई? इसकी रिजेक्ट, इसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी उसने पहले। बड़ा कप लो उसमें डालो दोनों का चाय, मुझे दे दो इसको अलग बनाओ। इसका ब्लैक टी था पर मैंने जनरलाइज कर दिया, तीनों को टी दे दो सर। ठीक है पी ले, मेरी इज्जत रख ले तू, मैंने बोला है तो रख ले। कौन सी लड़की, लड़की के? हाँ दे देख, ये बोल रहा है ले लो। आपका फोन कौन सी लड़की के पास था? ऊपर तो सब लड़के बैठते हैं। मैंने कब बोला लड़की के पास था? ओ हेलो हेलो करके कौन लड़की बोल रही थी? शी इज माय एक्स गर्लफ्रेंड। तो उठ पाओ नहीं है, बेइज्जती कर दी ऑन कैमरा। तुझे तुझे यकीन नहीं होता है मुझे गर्लफ्रेंड भी हो सकती है? नहीं इस बात पे तो कभी यकीन नहीं होगा। फॉर श्योर। हां तू मान नहीं गया चा चाय टाइम दोस्तों। ये तो ऊपर जाके बैठ गया है, पानी दे के दे देता हूँ भर भर के। चिंकू पिंकू अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का। हटो काम करने दो, हटो। आओ धीरे धीरे थोड़ा तुमच्या डोक्यात लपन काढून होता। रुको रुको थोडी देर रुको, एक मिनिट रुको। हा उतर पडली कैसा लगा हमारा मजाक? झालो सारा काम हो गया हमारा। ब्लॉगर घर पे जा चुकी है, ये देखो भाई मराठी ब्लॉगर इधर जाके खड़े हैं हमारे। भीख मांगो सब्सक्राइब करने की भाई। मुझे सब्सक्राइब करो बोलो। टाइम हो चुका है वॉकिंग के लिए जाने का, पर हमारे मम्मी पापा अभी भी घर पे नहीं आए। यार कितना टाइम पास करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं तो घर ही नहीं आते जल्दी। कुछ बच्चों की फिक्र है या नहीं इन लोगों को? पागल पायल मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं आए अब तक? निकल गए ना, आते होंगे फिर। और क्या बना है आज? प्याज की चटनी बनेगी आज। आई विल हैव वन बनाना। अबे यार ये तो छील गया पूरा ऊपर आते आते। निकलना बे। रात को सिक्योरिटी जलाने के लिए प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे वैभव के द्वारा। यहाँ पे हम सिक्योरिटी जलाते हैं डेली। ब्रूम 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 ब्रूम। मम्मी पापा घर आ गए हैं। मम्मी कैसा था तुम्हारा दिन आज का? अच्छा था। हाँ अच्छा था ना? सगळ्यात भारी योगीची शादी झाली, चांगलं झालं। यस सगळ्यात भारी चांगलं। यस योगी चांगलं। पायल ना तो पायल क्या है? पायल के लिए मम्मी ने लाई है दाबेली, पायल की फेवरेट है। अगर आपको पायल कहीं पे मिले तो उसको दाबेली खिला सकते हो आप लोग। ठीक है एक ने कमेंट पे लिखा
ब्लॉग में हर बार पायल पायल ही करता रहता है। पायल की वजह से ब्लॉगिंग चल रहा है। आपका नाम बताइए, आपका भी नाम लेंगे। पायल, पायल की वजह से ब्लॉगिंग चल रही है ऐसा बोला उसने। ओ माय गॉड, पायल। आई वाज लाइक आजा घर पे। पार्ली जी लाए क्या आपने चिकू पिकू के लिए? अरे गोल्ड क्यों लाया मम्मी? अबे पार्ले गोल्ड क्यों लाया? इसमें और ज्यादा ग्लूकोज होता है। क्या एक तो कुत्तों को ज्यादा मीठा नहीं खिलाना चाहिए, ऊपर से ज्यादा ग्लूकोज वाले बिस्किट लेके आए, वो मुझे खाने पड़ेंगे। वेर इज दोपहर की सब्जी? यार मुझे ना ज्यादा ग्रो हुई हुई दाढ़ी अच्छी नहीं दिखती, गंदा लगता हूँ मैं। किधर है पायल सब्जी? सब्जी किधर? हाँ दोस्तों, मैंने सोचा है मैं पॉजिटिविटी के साथ ब्लॉगिंग किया करूंगा, फुल एंजॉय करके, फुल अंदर से पॉजिटिव रह के। पिछले 2-3 दिनों से मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ब्लॉग करने का, और इसलिए मैं, आप देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग कितने बकवास से आ रहे हैं, मुझे झलक रहा है वो, क्योंकि मेरी एनर्जी ऐसी हो चुकी है ना कि मुझे सुबह उठ के ब्लॉग एडिट करना अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझे मतलब ब्लॉग भी आपने देखे होंगे, छोटे छोटे ब्लॉग आ रहे हैं, लेट ब्लॉग आ रहे हैं, और कमेंट भी अच्छे नहीं आते, तो इससे समझ जाओ कि मेरा मूड ख़राब है आजकल। क्योंकि मैं अपने 100% एफर्ट नहीं दे रहा हूँ इसमें, तो आई थिंक होता है यार कभी कभी ना, मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ ना, तो मेरा ऐसा हो जाता है कभी कभी, बोर हो जाता हूँ मैं, ठीक है, इसलिए आपको भी दिखता होगा वो। क्या हो गया? ठीक है, तो अभी हम लोग खाना खाते हैं। जस्ट हमारा अभी खाना पाना हो चुका है, और वैष्णवी को मिलके आ गए हम, उसके बेटी को मिलके आ गए, फिर वैभव के घर का काम देख के आ गए, और अभी हम दोनों भाई यहाँ पे बैठ के गप्पे कर रहे थे, और अभी गप्पे भी हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी हमें ब्लॉग भी ख़त्म करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली ब्लॉग में। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में, बाय बाय।